नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जय विलास पैलेस ग्वालियर, जिसमें है दुनिया के सबसे बड़े झूमर। और इसी के साथ इस महल की खास बात कि इस महल में जहां पर भी आप देखेंगे आपको रियल गोल्ड का वर्क नजर आएगा। और इसमें एक हॉल तो ऐसा है जिसमें कि 560 किलो गोल्ड यानी कि असली सोने का काम किया गया है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस ऐतिहासिक और इंटरेस्टिंग महल को, जो कि है जय विलास पैलेस ग्वालियर। तो अब हम प्रवेश हो चुके हैं जय विलास पैलेस ग्वालियर में। यह पैलेस सिंधिया राजवंश से बिलोंग करता है। इस पैलेस में कुल मिलाकर 400 कमरे हैं। इस पैलेस में एंट्री करने का शुल्क है 300 रुपीज पर पर्सन का फॉर अ इंडियन सिटीजन। इस पैलेस में कुछ भाग ऐसा है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है, जिसे हम म्यूजियम की तरह देख सकते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जो कि प्राइवेट एरिया है, जहां पर रॉयल फैमिली के मेंबर्स आज भी रहते हैं। तब यहां से शुरुआत होती है म्यूजियम एरिया की। और अभी जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये सभी बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि इनके ऊपर गोल्ड का काम किया गया है, यानी कि असली सोने के काम के साथ इन कपड़ों को बनाया गया है। अब आप देख रहे हैं सिंहासन, जो कि सोने और चांदी के बने हुए हैं। ये है चांदी की बग्गी, जिसमें 50 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इस कंपार्टमेंट में है एक पालकी, एक डोली और एक हाथी का हौदा। इस नेक्स्ट कंपार्टमेंट में है कई सारी तलवारें जिन्हें लटकाया गया है, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो कि इस रीजन में पहनी जाती हैं, और कई सारे अस्त्र शस्त्र। अब हम देख रहे हैं महाराजा से बिलोंग करने वाली उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें, जैसे कि उनकी वर्किंग टेबल, उनके ज़रूरत की चीज़ें जो कि वर्किंग टेबल के ऊपर हुआ करती थी। यह है पुराने ज़माने का म्यूज़िक बॉक्स, जिससे म्यूज़िक सुना जाता था। एक बार लिवर खींचने पर यह लगभग 40 मिनट तक चलता था। ये हैं कुछ फॉरेन इंपोर्टेड फर्नीचर्स जो कि बाहर से मंगवाए गए थे। अब हम देख रहे हैं एक 3D पेंटिंग, जिसे तीन अलग अलग डायमेंशन से देखने पर एक अलग ही फिगर नजर आता है। ये है महारानी जी का बेडरूम एरिया, जो कि सभी तरह की सुख सुविधाओं से लिप्त है। और ये है महारानी जी का ड्रेसिंग एरिया तैयार होने के लिए। अब हम आ चुके हैं महल के एक ऐसे कंपार्टमेंट में, जहां पर कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। ये है कुछ अलग अलग प्रकार की मशीन गन्स जो कि यहां संग्रहित करके रखी हुई हैं। अभी जो बड़ी साइज की गन आप देख रहे हैं, इसका नाम है पंट गन, और इसका उपयोग लिया जाता था बतख का शिकार करने के लिए। इसका साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन काम इसका काफी छोटा सा है। अब हम देख रहे हैं कई छोटी बड़ी साइज की पिस्तौल। और इसी के साथ म्यूजियम की एक खिड़की से बाहर देखें तो कुछ इस तरह का नजारा नजर आता है। अब हम देख रहे हैं कुछ बारूद दानियां, जिनमें गन पाउडर को स्टोर करके रखा जाता था। इसी कंपार्टमेंट में अगर देखें तो एक शाही जुलूस का नजारा बनाया गया है, जिसमें कि एक हाथी, कई सारे पहरेदार और सिपाही नजर आते हैं। यह है महाराजा का बेडरूम और ड्रेसिंग एरिया।
इस रूम में जो आप टाइगर देख रहे हैं, ये एक रियल टाइगर की बॉडी है जिसे मसाला भर के प्रिजर्व किया गया है। ये है केरमान का कालीन जो कि ईरान से लाया गया था और इसमें 197 फिगर्स बनाए गए हैं वेल नोन पर्सनैलिटीज़ के, और इस कालीन को बनने में 13 साल का समय लगा। ये चाइनीज़ स्टाइल के स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह के एयर कंडीशनर की तरह काम करते थे। इनके अंदर चंदन की लकड़ी का बुरादा रखकर जलाया जाता था जिसकी सुगंध हवा में फैल जाया करती थी। यह है पुराने जमाने की बग्गियां, ये है डाइनिंग एरिया जिसमें जो बर्तन रखे हुए हैं ये सभी चांदी के हैं, और जो सीलिंग पर काम किया गया है वो गोल्ड वर्क है। यह है महल का एक फेमस डाइनिंग एरिया जिसमें एक चांदी की ट्रेन चलती है जो कि फूड सर्व करने का या ड्रिंक सर्व करने का काम करती है। इसके ऊपर चेंबर्स बने हुए हैं डब्बों के रूप में, अगर उस चेंबर में से किसी बॉटल को निकाल लिया जाता है तो ट्रेन अपने आप रुक जाती है, और जैसे ही आप कुछ भी ड्रिंक या फूड उस से ले लेते हैं और वापस से बॉटल को ट्रेन के ऊपर रख देते हैं तो ट्रेन वापस से चलना शुरू कर देती है, और ये ट्रेन बनी हुई है चांदी की। यह है एक रियल टाइगर की बॉडी जिसे मसाला भरकर प्रिजर्व किया गया है। ये जो रेड कलर का झूमर अभी आप देख रहे हैं, इसका वजन है लगभग 1 टन। तो अब हम पहुंच चुके हैं महाराजा के दरबार हॉल में, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। यही वो हॉल है जहां पर लगे हैं दुनिया के सबसे बड़े झूमर, और ये दोनों झूमर पेयर्स हैं एक दूसरे के, और इन दोनों का वजन है लगभग 7 टन और एक झूमर का वजन है लगभग 3.5 टन। दोनों को मिलाओ तो 7 टन हो जाता है इनका वजन, और एक झूमर का वजन 3.5 टन। और इस हॉल में जितना भी गोल्डन वर्क आप देख रहे हैं ये सभी प्योर गोल्ड है, असली सोना है। इस हॉल में 560 किलो सोना उपयोग किया गया है डेकोरेशंस में, जैसे कि आप सीलिंग पर देखेंगे जो भी गोल्ड कलर वो सभी असली गोल्ड है। फर्नीचर में, पिलर्स में, सभी में असली सोने का यानी कि गोल्ड का वर्क किया गया है। 1874 में झूमरों को लगाने से पहले छत की टेस्टिंग की गई कि क्या छत इनके वजन को झेल सकती है या नहीं। तो टेस्टिंग करने के लिए 8 हाथियों को यानी कि 8 एलिफेंट्स को इस हॉल की छत के ऊपर चढ़ाया गया और कुछ दिनों तक रखा गया। इससे ये पता लगा कि छत इतना वज़न झेल सकती है या नहीं। जब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल रहा तब जाकर इन झूमरों को यहाँ पर लटकाया गया। एक झूमर में 250 बल्ब जलते हैं, यानी कि दो झूमर में देखें तो 500 बल्ब। इस हॉल में जो पीछे की साइड आप दो पंखे देख रहे हैं ये चलते थे केरोसिन से। इस स्थान पर है एक पालकी और दो डोलियां, और अब ये है पैलेस का किचन एरिया। तो ये है ग्वालियर का जय विलास पैलेस। अगर आप कभी ग्वालियर आएँ तो यहाँ ज़रूर आइए, काफ़ी अच्छी जगह है जिसे आपको देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।